अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं इमली की चटनी। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है इमली 450 ग्राम, गुड़ 1 कप, सुरख मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक हसब ज़रूरत, अजवाइन 2 चुटकी, सौंठ पाउडर 2 चुटकी, दालचीनी 1/2 इंच का टुकड़ा। चले आइए मैं आप। सबसे पहले हम डेगची में इमली डालेंगे। अभी गुठलियाँ इसके अंदर ही हैं। इसके साथ ही मैं इसमें गुड़ भी डाल दूंगी। इसमें तकरीबन 2 कप पानी हम और डालेंगे। जो गुड़ और इमली है हम इसको पकने देंगे, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। अब ये जो हमारी इमली की चटनी है ये पकना शुरू हो चुकी है। अभी ये बिल्कुल पतली है, इसमें गुड़ भी बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। तो अब हम इसको छान लेंगे। छान कर फिर मैं इसको दोबारा पकने के लिए रखूँगी। अभी पतली है तो छानने में आसानी होगी, अगर थोड़ी गाढ़ी हो गई तो फिर मुश्किल हो जाएगी, इसलिए हम पतली में पहले इसको छान लेंगे। अब इस इमली और गुड़ को मैंने छान लिया है। अब इसमें मैंने जो आपको मसाले दिखाए थे वो सब मैं इसमें डाल दूंगी। अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, तब तक सही गाढ़ी ना हो जाए। हमें ये थिक थिक सी चाहिए। हम इसको पकने देते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो पकने के बाद ये कैसी लगती है। ये देखिए हमारी जो चटनी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। हमें इससे ज़्यादा थिक इसको नहीं करना है, फिर ठंडा होने के बाद भी ये थिक हो जाएगी। आप इस चटनी को स्टोर भी कर सकते हैं 1 से 1.5 महीने के लिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।